अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सो वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होम गार्डनिंग, और मैं इस वक्त चेरी टोमेटोज तोड़ रहा हूँ। ये है चेरी टोमेटोज, अब ज़्यादा बताओ इन्हें कौन से टोमेटोज हैं, आओ करीब। ये चेरी टोमेटोज हैं जो हमारी माशाल्लाह से ज़मीनों पे लगे हुए हैं, और हमने इस वक्त भिंडियाँ जो हैं वो तोड़ ली हैं, आप देख सकते हैं। और चेरी टोमेटोज जो हैं अब हम तोड़ रहे हैं, ये देखें, करीब लाओ भाई कैमरा थोड़ा सा, कैसा बेहतरीन है। चलें भाई अब आएँ थोड़ा सा, हम और थोड़े से टमाटर तोड़ते हैं, आ जाए। इसके बाद हमने तोड़ने हैं कद्दू, क्या तोड़ने हैं? कद्दू। और फिर हम इंशाल्लाह उसके बाद अगला अपना काम करेंगे, मान पैक करेंगे और सीधे घर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? घर। चलें जी, ये करीब से दिखाओ ना, ये देखें टमाटर कैसे हैं, बेहतरीन है। ये देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये टमाटर, आप देखें। ये चेरी टमाटर हैं और बहुत खूबसूरत हैं और फ्रेश हैं बिल्कुल, और राइप हैं बिल्कुल। मैं मौजूद हूँ अपनी ज़मीनों पे, और हमारे चेरी टोमेटोज जो आप पहले भी देख चुके हैं बहुत खूबसूरत हैं, और चेरी टोमेटोज के साथ ही हमारे पास इस वक्त मौजूद है ग्रेप फ्रूट, जो येलो कलर का होता है बड़ा सा, जो कि शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत खूबसूरत इसका प्लांट है। इसके बाद हम कद्दू की तरफ जाते हैं, फिर कद्दू दिखाते हैं आपको कि कद्दू और तोरियाँ हमारी जो है कैसे, बहुत गर्मी है, मुझे पसीना बहुत आ रहा है, और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा है यहाँ का माहौल माशाल्लाह। ये हमारी कद्दू की बेलें हैं माशाल्लाह से इधर सारे एरिए में, और यहाँ कद्दू और तोरियाँ जो वो मिक्स होकर लगी हुई हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर कद्दू किस तरह के और तोरियाँ किस तरह। ढूंढते यहाँ पहुँचे हैं कि यहाँ पे हमें एक कद्दू मिल गया है, और ये कद्दू है बेहतरीन किस्म का, ये दोनों दो कद्दू लगे हुए माशाल्लाह से। जो ये एक कद्दू है ये हम तोड़ते हैं यहाँ से, और इसको आप देखें कि यहाँ से हम ऐसे तोड़ेंगे, ये हमारा कद्दू टूट गया, बेहतरीन किस्म का कद्दू। और इसके हमें यहाँ पे एक जो है खीरा हमने देखा है, खीरा तोड़ा है हमने, और ये बहुत ही अजीब किस्म का खीरा है, देखें इसके ऊपर ये कांटे भी हैं। तो ये कांटे किस लिए हैं अब ये मुझे नहीं पता, तो अगर कोई देख रहा है ये वीडियो तो बताए कि ये किस लिए होते हैं।